हिट एंड रन कानून के खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। देश भर में सड़कों पर उतरे ट्रक और बस ड्राइवर, केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की कर रहे मांग। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने और उसे बातचीत की टेबल पर लाने के लिए आतंक का सहारा लेता रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कही, पाकिस्तान की आतंकी शर्तों पर नहीं होगी बात। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम स्टालिन मौजूद थे। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। आज से शुरू हुआ पीएम का दो दिवसीय दक्षिण दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर, वाईएस शर्मिला वाईएस आरटीपी का कांग्रेस में करेंगी विलय। मध्य भारत में अभी और सितम ढाएगी सर्दी, जनवरी महीने में भी जारी रह सकती है शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जापान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हुई, 1400 लोग बुलेट ट्रेन में फंसे, 200 इमारतें जली, एक और भूकंप की चेतावनी जारी। नए साल पर हुए बंपर प्रदर्शन के बाद जोमेटो ने अपना प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ा दिया है। कंपनी ने इसे 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया है। सिडनी में 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। सिडनी टेस्ट से शाहीन अफरीदी और इमाम उल हक बाहर, साजिद खान और सैम अयूब को मिलेगा मौका। 21 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म डंकी ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी कमाई की रफ्तार। 13वें दिन फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ के पार पहुंचा।